अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आदेश के बावजूद रिश्वत की मांग पूरी न होने पर भागीरथी आर्य कन्या इंटर कॉलेज मेरठ में प्रवक्ता पद पर ज्वाइनिंग न कराने की गूंज लखनऊ तक जा पहुंची। योगी आदित्यनाथ सख्त हुए तो पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए। खुद मंडलायुक्त ने बागडोर संभालते हुए जांच पड़ताल की। सामने यह आया कि ज्वाइनिंग कराने के एवज में 3 माह के वेतन की धनराशि प्रवक्ता से मांगी जा रही थी और न देने के कारण ही यह ज्वाइनिंग अटकाई जा रही थी। फिलहाल कॉलेज प्रधानाचार्य व प्रबंधक समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं बुलंदशहर निवासी संगीता सोलंकी भी ज्वाइनिंग पाते हुए चहक उठी और बोली, थैंक यू CM। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। इस बारे में मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। ये संगीता सोलंकी बुलंदशहर की रहने वाली है। उनका चयन हुआ था नवंबर में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और इनका भागीरथी कन्या आर्य कन्या इंटर कॉलेज लालकुर्ती में इनका चयन हुआ था। इन्होंने अपनी योगदान आख्या 13 नवंबर को दी थी लेकिन इनको ज्वाइन नहीं कराया गया। उसके बाद में इन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अपना पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने निर्देशित किया क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट हैं तो इनको ये भी नहीं था कि DIS के अलावा क्या बाकी किसी को भी वो दिया जा सकता है, एप्लीकेशन दी जा सकती है। DIS ने बहुत सख्त निर्देश जारी किए लेकिन उसके बाद भी ज्वाइन नहीं कराया गया। और आरोप ये है कि जो प्रधान वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने एक बाबू के थ्रू उससे 3 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी थी। ये उसके बाद दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट से स्टे आ गया। 26 फरवरी को भी स्टे भी वैकेट हो गया। उसके बाद इसने फिर जाना शुरू किया लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट और जो एप्लीकेंट है इन तीनों को बुलाया गया। इन तीनों को बुलाने के बाद में इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो मामला संज्ञान में आया वो ये कि जानबूझ के उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। कोई कारण नहीं था नहीं ज्वाइन कराने का, जो नवंबर में ही ज्वाइन करा लेना चाहिए था। जहाँ तक ऑनरेबल हाईकोर्ट के स्टे की वो बात करते हैं तो स्टे तो बहुत बाद में आया था, स्टे लगभग 20 दिन बाद में आया था और स्टे वैकेट होने के बाद भी लगभग 40 दिन गुजर चुके थे। उसके बाद भी उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। एक बच्ची का अननेसेसरी हैरेसमेंट किया गया तो उनको उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तत्काल आदेशित किया गया। यहाँ से SSP साहब के पास दोनों को भेजा गया, तीनों लोगों को, और उसके बाद लालकुर्ती थाने में FIR दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जहाँ तक ज्वाइनिंग का सवाल है, कल तत्काल ही ज्वाइन उनको करा दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने यह बताया। इसमें कल यहाँ पे एक लड़की जो कि आयोग से उसको नियुक्ति मिल गई थी बट यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, उस क्रम में वो शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे कुछ पैसे की डिमांड की गई है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उस मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उसमें पता चला है कि उसकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई। वहीं प्रधानाचार्य लता सागर ने यह जानकारी दी। कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा था, सिर्फ प्रवक्ता पद हिंदी भागीरथी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मुझे कार्यभार ग्रहण करना था, कराया नहीं जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री महोदय से की। मेरी समस्या का निस्तारण हो गया और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरा कल कार्यभार ग्रहण हो गया है और मैं बहुत। उधर संगीता सोलंकी का खुशी के मारे बुरा हाल है। संगीता ने कुछ जानकारी तो मीडिया को दी लेकिन बसते बसते संगीता ने इस आशय की शिकायत CM पोर्टल पर की थी, जिसका असर आज साफ दिखने में आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।